الفاتحة. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الحر الميامين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات محمد. سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ قل هو الله کی تلاوت فرما کے تمام مرحوم مومنین والمومنات کو رکوع سال فرمائے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد علیہ السلام. خداوند عالم نے اپنے بندوں پر یہ کرم فرمایا کہ ان کی زندگیوں میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں یا ان کے وہم و گمان و خیال میں بھی یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم بھول کر رہے ہیں اور ہم غلط راستے پر ہیں. وہاں پر اس نے ایسے ہادی اور ایسے رہنماؤں کا انتظام کر دیا کہ وہ اسے یہ بتاتے رہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور اگر یہ غلط ہے تو صحیح یہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے، اس طرح کرو گے تو زیادہ ثواب ملے گا، ایسے کرو گے تو ثواب میں کمی ہو جائے گی. 124,000 انبیاء کے بعد پروردگار عالم نے اپنے آخری نبی کو اپنی بارگاہ میں بلانے کے بعد اور آخری نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد کاروان انسانیت کو اگر باقی رکھا تو ساتھ ساتھ کاروان ہادیان بھی باقی رکھا، کہ اگر انسان ہے، ہدایت لینے والا ہے، راہ سے بے راہ ہو جانے والا ہے اور اس کی زندگی میں ایسے امور یا ایسے مواقع اور ایسے
अवकात आएंगे कि जहाँ पर इंसान भूल करेगा। मुमकिन है बल्कि यकीन है कि अगर शैतान की राह पर यह चल पड़ा तो फिर वो उसे औंधे मुंह जहन्नम में गिरा दे। और अगर हद ये है, जैसा कि कुरान भी कहता है कि बाज़ लोग होंगे जो महशर में कहेंगे खुदा हम क्या करें, हम तो तेरी राह पर चलना चाहते थे, शैतान ने हमको बहका दिया। तो शैतान बर्जस्ता ये कहेगा कि खुदावंद मैं क्या करूं, मैंने तो सिर्फ दावत दी थी, ये चल पड़ा तो मैं क्या करूं, इसने कबूल कर लिया था, मैंने कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी की थी, मैंने थोड़ी जबरदस्ती की थी कि तू चल चल, मैंने तो सिर्फ सजा के दुनिया को उसके सामने पेश कर दिया, वो खुद जो है वो लुभाता हुआ आ गया तो मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी जबरदस्ती की, मैं जिम्मेदार नहीं, ये तो खुद ही जहन्नम, खुद ये शैतान हाथ ऊंचा कर लेगा, तुम जानो खुदा जाने, मैंने काम मेरा कर लिया, तुम्हारा काम तुमने किया, तुम झेलो, बवाल सब तुम्हारे सर है। तो ऐसा मुमकिन है कि इंसान ऐसा करे, इसीलिए खुदावंद आलम ने आखिरी नबी के इस दुनिया से जाने से पहले, पैगंबर की आंख बंद हो जाने के बाद और पैगंबर की जाहिरी जिंदगी दुनिया में न रहने के बाद जो सिलसिला जारी करना था, सिलसिला इमामत, उनमें से एक दो नहीं बल्कि पैगंबर की जिंदगी में तीन तीन नबी, तीन तीन इमामों को मौजूद रखा, पैगंबर के हाथों से उनकी तरबियत कराई, पैगंबर ने मुख्तलिफ मकामात पर मुसलमानों के सामने उन्हें पहचानवाया, उनकी मारिफत कराई। ये है हमारे बाद जो है वो सिलसिले हिदायत को बाकी रखने वाले और तुम्हारे हादी, तुम्हारे रहनुमा, तुम्हारे इमाम, और जिस तरह मैं तुम्हारी हिदायत फरमाता था उस तरह ये फरमाएंगे, और जिस तरह मैं अपनी उम्मत के ऊपर और बंदगान खुदा के ऊपर मेहरबान था उस तरह ये लोग मेहरबान होंगे। पैगंबर की जिंदगी के अंदर इन्हीं तीन इमाम, पहले दूसरे और तीसरे इमाम, तीनों इमाम ये पैगंबर की जिंदगी में मौजूद थे, और ऐसे वाकयात भी उनके जरिए से रूनुमा दुनिया के सामने हुए और सामने आए कि लोगों ने माना कि जिस तरह पैगंबर उम्मत के लिए और खुदा के गुनहगार बंदों के लिए रहमत हैं और मेहरबान हैं, उसी तरह ये अइमाए अतहार भी मेहरबान हैं। जैसे उम्मत का दर्द पैगंबर को है, उसी तरह उम्मत का दर्द इन अइमाए अतहार को है। वरना 25 साल अमीरुल मोमिनीन बादे पैगंबर खामोश नहीं रहते। ये जो सब्र का मुजाहिरा किया है, ये पहला बादे पैगंबर सिलसिले इमामत का वो मौका है कि जहां ये बताया जा रहा है कि उम्मत समझे, उम्मत जान ले, उम्मत पहचान ले कि पैगंबर किन अमीन हाथों में दीन की बागडोर देकर गए हैं, उम्मत को किन अमानतदार वाले हाथों में सौंप के गए हैं। यह उसका इजहार था, यह उसका नमूना था कि जहां घर जलाया जा रहा है, नामुस पर जुल्म किया जा रहा है, बच्चे कुचले जा रहे हैं, गले में रस्सी का फंदा डाल के दरबार तक घसीटा जा रहा है, लेकिन इमाम खामोश। अगर पैगंबर अपनी जिंदगी में तबलीग दीन इस्लाम करने के लिए काफिरीन और मुशरिकीन के जुल्म और मुनाफिकीन के जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे, तो बादे पैगंबर कौन है जो पैगंबर के इस मिशन को बाकी रखते हुए उसी अंदाज में पेश आता है कि जहां मुनाफिकीन जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं, ये सब्र पे सब्र का मुजाहिरा किए जा रहे हैं। ये वही अहले बैत अतहार है जिनके लिए खुदावंद आलम ने कहा था कि पैगंबर ये सोने चांदी के ढेर लगा के तुम्हारे सामने कहते हैं कि अजरे रिसालत ले लो, आपकी मेहनतें और आपकी मशक्कतें और आपने जो दीन इलाही को पहुंचाने में तकलीफें उठाई हैं उसका बदल ले लो,
ये दुनिया का माल, ये दुनिया का जर, ये दुनिया की दौलत, पैगंबर इनसे कह दीजिए हमें कुछ नहीं चाहिए, कौल ला सलोकुम, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ सवाल ही नहीं करते तुमसे। हाँ लेकिन अगर आप मुसीर हैं, लेकिन आप बजीद हैं, लेकिन आप कुछ देना ही चाहते हैं अपनी मर्जी से, तो फिर ठीक है, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तो दीजिए, मगर माल दुनिया नहीं, मगर ये दुनिया की चमक दमक नहीं, बल्कि वो चीज दे दो कि जो खुद तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों के लिए निजात का सबब बन जाए। ऐसी चीज दो कि जब करो तो सवाब, जब सोचो तो सवाब, जिससे तुम्हारी दुनिया भी संवर जाए, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाए। वो वही अहले बैत अलैहिस्सलाम की अतात और आपकी मवद्दत थी। बहरहाल जमाना बड़ा पूरे आशोब है और न जाने इंसान गुमराही की किन वादियों में भटक रहा है। हमें ताज्जुब गैर के भटक जाने पर नहीं है, हमें हैरत नहीं होती है जब दर अहले बैत से दूर हो जाने वाला और मुनहरिफ होने वाला इंसान गुमराहियों के दलदल में फंस जाता है। ताज्जुब और हैरत तो उस वक्त होती है कि जब अहले बैत की मोहब्बत का दम भरने वाला, अपने आप को अहले बैत का शिया कहने वाला, वो गुमराही के दलदल में फंसा हुआ होता है। उसको दुनिया की ये चकाचौंध, इसकी आंखों को खीरा किए जा रही, इसको दुनिया के अलावा सब धुंधला नजर आता है, सिर्फ इसको दुनिया की चमक नजर आती है। और शायद यही वजह है कि गैर तो गैर है, अपनों ने भी इतनी दूरी इख्तियार कर ली है। यही शब जुमा की एक तकरीर में इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह अलैहि ताला ने एक बात कही थी, बार बार जब याद आती है तो बड़ी अच्छी लगती, और यह जमाना उसका है। पहला जुमला उस बात का ये है कि जब आपसे सवाल किया गया, आगा आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपने इनकलाब को कैसे आगे बढ़ाए जा रहे हैं, किस बेस पर, कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं, तो आपने फरमाया था कि मैं भरोसा करता हूं और यकीन रखता हूं आने वाली उस नस्ल पर कि जो माओं की गोदियों में खेल रही है या शिकम में मादर में मौजूद है, मुझे उन पे यकीन है कि ये उसे आगे बढ़ाए। दूसरा जुमला कहा था वो यहां असल में मौजू से मुताल्लिक है। आपने फरमाया जब कहा गया तो क्या करें, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर कल भी आज भी ईरान की एक अनोखी तारीख है नक्शो नगार के लिहाज से, डिजाइन वगैरह होती, चाहे वो कालीन पे हो, चाहे वो दीवार पर हो, चाहे कपड़ों पर हो, आज से नहीं जमाने कदीम से, जब से फारस और ईरान को लोग पहचानते तब से ये पुराना है। क्योंकि उस जमाने में यानी पहले जमाने में ये जो तुर्की है, तुर्की वो भी जो है वो फारस में शुमार होता था, और ये ईरान भी, ये सब कुछ जो है वो फारस में हुआ करता था। उस जमाने की तारीख भी अगर आप देखें, चूंकि वो मकसद नहीं है हमारा उस तरफ जाना, कि ईरान की नक्शो नगारी बहुत मशहूर है, हद है कि किताबों में भी जो नक्शो नगार ईरानी उलमा ने अपनी किताबों में किए हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मसलन बिस्मिल्लाह लिख के मसलन चिड़िया के का जो है वो नक्श बना दिया, चिड़िया बना दी, लगेगा दूर से चिड़िया है, लिखा हुआ रहता है बिस्मिल्लाह रहमान। मसलन ये आप फोटो देख रहे हैं, ये देखिए
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है ना, कैसा लग रहा है दूर से आपको? मसलन ताज बना दिया, मसलन चिड़िया बना दी, मसलन शेर बना दिया, वगैरह वगैरह। और इस लिहाज से आज भी आप ईरान की मस्जिदों को देखिए, अरे हद ये है कि हमारे हिंदुस्तान में जो ईरानियों ने मस्जिदें बनाई, मसलन बम्बई में मुगल मस्जिद बनते, नक्शोनिगारी उसकी देखिए, और मस्जिदों को देख लीजिए आप शियों की, वो बात नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वो ईरानी मस्जिद कही जाती, मुगल मस्जिद भाई, ठीक है। तो वो बहुत मशहूर, उस लिहाज से आप जरा ये मंजर जो मैंने पेश किया वो इसलिए किया, उस वक्त जो है आगा ने फरमाया, आगा से कहा गया कि भाई ये कैसे मुमकिन है, हम क्या करें? आगा ने फरमाया, तामीरात कम और तालीमात पे ज्यादा जोर दो, समझे? तामीरात पर, यानी ये बिल्डिंग्स वगैरह जो है, ये जो महलात बना रहे हैं, जो बंगले बनाए जा रहे हैं, जो सजाया जा रहा है, नक्शो निगार बना रहे हैं रूम्स में, और जो है वो अपने अपने बिल्डिंगों में या अपनी अपनी इमारतों में, ये है तामीरात। आगा ने फरमाया, तामीरात पे कम और तालीमात पर ज्यादा जोर दो। क्यों? वजह खुद ही बता रहे हैं, तामीरात पे कम, तालीमात पे ज्यादा जोर दो। क्यों? इसलिए कि अगर तुमने तामीरात पर ज्यादा जोर दिया और तुम उसमें कामयाब भी हो गए और बहुत अच्छी अच्छी चीजें और अच्छी अच्छी तामीरात तुमने तामील कर ली और अच्छे अच्छे बंगले और अच्छी अच्छी मस्जिदें और अच्छे अच्छे कले बना लिए तुमने, तो मुमकिन है कि तुमसे ज्यादा कवि बहादुर, ज्यादा ताकत में तुम्हारा दुश्मन तुमको मार के, अपनी ताकत का जोर दिखा करके, तलवार की नोक पर तुम्हारी ये सारी तामीरात अपने कब्जे में कर ले। हो सकता है, होता ही है, होता ही है ये। अब मौजू अलग है कि क्या हुआ, मगर सब जानते हैं कि जब नई जो है वो हुकूमत आती है तो काफी चेंजेस होती है। लेकिन अगर फरमाते तामीरात अगर इस पर जोर दे दिया और तुम कामयाब भी हो गए और अच्छे अच्छे तामीरात बना भी लिए, तो मुमकिन है कि एक ताकतवर दुश्मन तुम्हारे सामने आए, तलवार के जोर पर हथियार दिखाकर अपनी कुव्वत और ताकत का मुजाहिरा करके तुमको पसपा करके, तुमको हरा के, तुम्हारे ऊपर हुकूमत करके तुम्हारी ये तामीरात अपने कब्जे में ले ले। लेकिन अगर तुम तामीरात के बजाय तालीमात पे जोर दोगे, उसके ऊपर ध्यान दोगे, तो याद रखो दुनिया का कितना भी ताकतवर दुश्मन हो, तालीमात के सामने उसके हथियार नहीं चलते। तुम्हारे सरों पे हुकूमत वो नहीं कर सकता जो जाहिल है। साहेब इल्म की हमेशा हुक्मरानी रहती है। इसीलिए आप देखिए, कितना भी जोरदार बादशाह हो, कितना भी बड़ा पहलवान हुक्मरा बन जाए, लेकिन उसको चाहे अशरफियों, रुपयों, पैसों और आज के जमाने में डॉलर और यूरो का जोर दे के मगर खरीदना पड़ता ही है। क्यों? इसलिए कि अगर साहिबान इल्म को अपने साथ नहीं रखेगा, कभी हुकूमत पायदार नहीं बन सकती, मजबूत नहीं होगी। जिसको कहते हैं दरबारी मुल्ला, दरबारी चमचे होते हैं आलिम के लिबास में, लेकिन ईमान और अकीदे को बेच चुके होते हैं। अरे बिरादर ने इल्म हासिल किया है। तो मसला आगा वही फरमाते हैं कि अगर तालीमात पे जोर दोगे और इस पे तुम कामयाब हो गए, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा पाएगी, तुम्हारे ऊपर कब्जा नहीं जमा सकती। आज आपके सामने 30-40 साल के बाद आप देख लीजिए हालात दुनिया के। आगा ने जो फरमाया था वही हो रहा है। दुनिया की सबसे सुपर पावर ताकत मानी जाने वाले लोग भी ईरान के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। आज तो कम हो गया, 2000
तीन में तकरीबन, दो में तैयारी हो गई थी लेकिन तीन में आते आते जो है वो ईरान के जितने बॉर्डर्स हैं, जितने मुल्क उसके बॉर्डर पर, हर जगह सुपर पावर ने अपनी फौजें लगा ली थी, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, चाहे तुर्किस्तान हो, चाहे शाम हो, चाहे जो भी देश, जो भी मुल्क, जो भी कंट्री, सब कंट्री पर सुपर पावर ताकत ने अपने लश्कर, अपनी फौज लगा रखी थी। क्यों? एक भूल खाली ईरान करे, अब लफ्जों को बदल के अगर यूं कहूं कि यह पढ़ा लिखा ईरान सिर्फ एक गलती करे, हम चढ़ाई कर दें, एक भूल, एक खता, एक गलती और हमला तैयार। जिस मुल्क यानी जिस बॉर्डर पर इससे गलती होगी, हम वहीं से इसकी बर्बादी की शुरुआत कर देंगे। वो फौजें चली भी गई कितने मुल्क से, कितने अभी हैं तो मुंह की खा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एक भूल नहीं निकाल पाए, चढ़ाई का सामान अभी तक मुहैया नहीं कर पाए। क्यों? इसलिए कि सामने तामीरात नहीं है, तालीमात है, और वो भी तालीमात दुनिया के साथ साथ दीन के तालीमात हैं, खुदा और रसूल के दीन पर अमल पैरा है, लिहाजा हिला नहीं सकता उन बुनियादों को कोई, लिहाजा खड़ा है सीना तान के। आज दुश्मन जो कल ईरान को अपना दोस्त समझता था, आज घुटने टेके हुए माफी मांग रहा है, आज घुटने टेके हुए समाधान की पेशकश कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? वही बात है, तामीरात पे कम, तालीमात पे ज्यादा जोर। अहले बैत की मोहब्बत भी उसी इंसान पर सजती है और जचती है कि जो इल्म में डूबा हुआ हो, जिसके पास कुछ मालूमात हो, जो सर उठा के गुरूर से नहीं फख्र से चल सकता हो, जिसके पास तालीमात हो। और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक अगर इंसान अपने को ढाल ले तो सर कटा दे, काट सकता है दुश्मन, लेकिन सर को झुका नहीं सकता है दुश्मन। ये हमेशा की तारीख रही है, अव्वल से आखिर तक, बल्कि आज तक आप देख लीजिए, अहले बैत अलैहिस्सलाम के तालीमात पे चलने वाले अफराद कभी जेर नहीं हुए। जाहिर मेरे दुनिया है और खुदा ने वादा भी किया है कि हम चंद चीजों से तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, लेकिन लिहाजा इम्तिहानन नुकसानात होते रहते हैं, कभी बीमारियां आ गईं, कभी जलजले आए, कभी जो है मौतें हो गईं, कभी हमला हो गया, कभी थोड़ा मोड़ा जो है वो नुकसान हो गया, होता ही है, कि कहां नहीं होता है। सुपर पावर अपने को कहने वाले की बिल्डिंग को एक जाहिल ने जाकर के नहीं तबाह कर डाला, आज तक जो है उसी के लिहाज से तो उनके मुल्क में फंसी रही उसकी जो है फौज, बहाना करके भगोड़ों की तरह भाग रहे हैं। लेकिन मसला क्या है? तामीरात नहीं काम आते हैं, तालीमात काम आते हैं। ये तामीरात पे जो जोर दे करके आगे बढ़ रहे थे, उनको उनकी औकात समझ में आ गई। कितना भी आप बढ़ा लीजिए, कितनी भी मंजिला बिल्डिंग बना लीजिए, लेकिन जेर होना तकदीर है। लेकिन अगर तालीमात है तो कब्र तक, बल्कि शायद हमने कम कहा है, कब्र नहीं, हश्र और जन्नत तक की गारंटी है कि इंसान सही माना में जो है वो राह रास्त पर ही जाएगा। और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इसीलिए हर मुसीबत का सामना किया, लेकिन तालीमात पे जोर दिया। हद यह है कि करबला सज गई, मैमना, मैसरा, कल्ब लश्कर, लेकिन फिर भी मैमना को इमाम अली मकाम ने खाली रखा, मैसरा और कल्ब लश्कर पे मुय्यन हो गया सिपाही। कल्ब लश्कर में बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम,
मैं शराब जनाबे मुसलमान हो सजा मैमना खाली रखा, यानी दाहिने तरफ वाला राइट साइड जो है लश्कर की ये खाली रखी, सिर्फ एक परचम है जो गाढ़ा हुआ है, कोई आदमी कोई सिपह सालार कोई सरदार वहां पर नहीं है। लेकिन जब वक्त आया तो देखने वालों ने देखा कि वो बूढ़ा मुजाहिद उम्र के लिहाज से तो ज़ईफ था, बूढ़ा था, मुअम्मर था, काफी उम्र वाला था, बाल के सर के बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन जब आया है तो इमाम के अस्हाब में तकबीरों की सदाएं बुलंद हो गई और इमाम ने वो परचम जो गड़ा था मैमना पे उसके हाथों में दिया और जब बुलाया तो भी एहतमाम किया हुसैन इब्न अली की तरफ से रजलुल फकी हबीब इब्न मजाहिर की तरफ ये खत, जो मुश्तहिद है फकी है उसकी तरफ रवाना कर रहा हूं इस खत को या उसको भेज रहा हूं ये खत। ये वो तालीमात थी जिसने करबला जैसी करबला को भी अधूरी ठहराया जब तक कि वो मुजाहिद वहां पर आकर के ठहरा नहीं, तब परचम हबीब इब्ने मजाहिर के हाथ में गया। अब इमाम आली मकाम का लश्कर मुकम्मल हो गया। हालांकि जहां अकबर जैसा बहादुर हो, जहां कासिम जैसा शख्सवार हो, कोई कमी थोड़ी थी। ज़ुहैर कैन अजीब मुजाहिद, ऐसे ऐसे अफराद पड़े हो कि जो इमाम को नमाज पढ़ा दे और तीर और तबर को अपने सीने पे रोक ले, अपने जिस्म पे रोक ले, मगर मैमना पे होगा तो हबीब वो भी बुलाकर यहां रखा जाएगा, मौजूद नहीं है तो उसकी बात अलग है। ये वो तालीम का जोर था। असल में अहले बैत अतहार ने मुसीबतों का सामना किया लेकिन तालीमात को बरकरार रखा ताकि चाहने वाले जब हमें याद करें तो इल्म से पूर होकर के हमको याद करें, इल्म में डूब जाएं तो हमारी याद अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, तब हमारी मुसीबतों को अच्छी तरीके से जानेंगे और महसूस करेंगे। और सच गई करबला, आ गया मैमना का सरदार, परचम उसके हवाले और अब लश्कर की तर्तीब मुकर्रर हो गई, मुअय्यन भी हो गई और ये तकबीरों की सदाएं खयाम तक पहुंची। खयाम हुसैनी अहले हरम के खयाम में शहजादी ने जब आवाज तकबीर सुनी है तो जनाब फिज़ा से कहा, जब सुनते हैं तो घोड़ों की टापों की, वो भी दुश्मनों के घोड़ों की टापों की आवाजें जब सुनते हैं तो फला शख्स आया है इतने सिपाहियों के साथ, फला यजीद का के लश्कर का दस्ता आया है जिसका सिपह सालार फला है, घोड़े दौड़ते थे, जमीन लरसती थी, बच्चे सहमते थे, बेवाएं थर्राती थीं, यही सब सुनते आते थे। ये क्या बात हो गई, ये कौन आ गया कि इन गमजदाओं के खैमों में बहार आ गई, खुशियों की लहर दौड़ गई। और जब जनाब फिज़ा आई, मुलाहिजा किया, शहजादी की खिदमत में पहुंची, का शहजादी हबीब इब्न मजाहिर हुसैन के बचपन के दोस्त आए और आपके आने की वजह से इमाम के असहाब में ये खुशियों की लहर है और ये गमजदा दिलों में कल्बो बेचैनी के मस्कन में एक फरहत और एक शादमानी दौड़ गई है। अच्छा, तो भाई ने खत हमारी गुजारिश पे लिखा था, आ गया मेरे भाई का दोस्त, फिर जाए काम कीजिए, जाइए और जा करके हबीब को हमारा सलाम कहिए। शुक्रिया हबीब, बड़े सख्त वक्त पे आप हमारे यहां आए और हमारी गुजारिश पे आपने लब्बैक कहा।
जानते हैं फिज़ा जैसे ही हबीब के पास गई हैं और जाके कहा हबीब बड़े खुश नसीब हैं आप, कहा यकीनन खुश नसीब, हुसैन के कदमों तक पहुंच जाना हमारी खुश नसीबी तो, कहा नहीं हबीब तुम्हारी खुश नसीबी ये है कि अली और फातिमा की बेटियों ने आपको सलाम कहलवाया। हबीब ने अमामे को जमीन पे फेंका, कहा अल्लाह आले मोहम्मद पे क्या वक्त आया, हम जैसे गुलामों को शहजादियां सलाम कर रही हैं। हबीब शहजादी ने सलाम कहा था आपको, मगर जैनब के सलाम की बड़ी आपने इज्जत की है, उसके हुर्मत का बड़ा ख्याल किया आपने। ये करबला का बंद था जहां शहजादी आपको सलाम कहती थी, आप उसकी कद्र करते थे। नहीं मालूम हबीब जब आपका अहले हरम के काफिले के साथ कटा हुआ सर नौ के नजे पर काफिले के साथ साथ चलता आप ही के शहर कूफा में पहुंचेगा और एक सदा आ रही होगी मुनादी की, ए तमाशाइयों आओ तमाशा देखो, अली और फातिमा की बेटियां बेमकना चादर बलवान में आई है। ए अभी उस वक्त आपकी रूह पाक कितना तड़पेगी, मेरी शहजादी का नाम इस तरह लिया जा रहा है, इतने ही शाम का बाजार शाम का दरबार इमाम सज्जाद की मौजूदगी में, और यही हम इमाम को भी खा गया, जिंदगी भर याद करते रहे कि अफसोस था हम खड़े थे तख्त पर मलून बैठा था, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त हुई जब शराब में डूबी हुई जबान से यजीद मलून ने कई बार मेरी फूफी ज़ैनब का नाम पुकारा। सज्जाद खड़ा सुनता रहा, सबसे ज्यादा उस वक्त मुझे एहसास गम और परदेसी व गुरबत हो। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بالله الله وإنا إليه راجعون إلهي بحق زهراء وعبيها وبعليها بني پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کے واسطے اور وسیلے سے دنیا میں جہاں کہیں مومنین آباد ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، بے اولاد کو اولاد عنایت فرما، صاحب اولاد کو ان کے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے۔ پروردگار ہمارے مرحومین کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین اوپر اپنی رحمت نازل فرما، مخصوصاً جس مرحومہ اور مرحومین کی یہ سال ثواب کی مجلس ہے اور جس مرحومہ کی یہ قبر کی پہلی رات ہے، پروردگار ان کی قبر کی تاریکوں کو دور فرما، ان کی قبر کو وسعت عنایت فرما، ان کی قبر اور برزخ کے سفر کو آسان فرما، وحشت قبر کو دور فرما۔ اور پروردگار دعاؤں میں عظیم ترین تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ تیری حجت آخر اور ہمارے امام آخر کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو امام کے ناصر مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔